Sayonara Nudalpananga Sayonara Chitne na bhi tum like subscribe karoge Hota na aur main achhe achhe menu leke aaunga Hukuma main bhooli hoonga Sayonara Sayonara Chalo bhai bano aaj phir se aa gaya hu एक नए अवतार एक नए मेन्यू एक नए लुक्स में आप कुछ लेते क्यों नहीं हमने इतना लिया कि हम खुद चाइनीज बन गए के लिए एक बढ़िया सा हम मेन्यू लेके आया है कौन सा चाइनी चाय चाय चुन 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 चाय चाय चुन 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 चा चुन 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 कांचा चीना बोलेगा ये कांचा चीना कहाँ से आ गया कोई बात नहीं हंसी मजाक बहुत हो गया चलिए मेन्यू पे जान देते क्या डाल देते मेन्यू पे आज हमारा टॉपिक है चाइनीज लोगों को चाइनीज खाना बहुत पसंद आता है इसलिए हम खुद चाइनीज बन गए देखिए बोलते हैं ना चाइनीज सिर्फ चाइनीज लोग बना पाते नहीं हम इंडियन पे भी चाइनीज बना पाते चलिए देखते हैं आज कौन सा मेन्यू है ओम साई राम चलिए आज का मेन्यू चालू करते हैं चाइनीज नूडल्स क्या चो भाई बहनों हम आज चाइनीज बना रहे ओम साई राम के नाम से हम आज चाइनीज बनाएंगे आज मैंने गेटअप लुक भी हमारा मेरा गेटअप भी चाइनीज जैसा रखा है हम चाइनीज बन के चाइनीज बनाएंगे किस तरह बनता है बड़े प्रकार से अभी क्वारंटाइन का टाइम है लोग को इम्यूनिटी सिस्टम बढ़ाना है इम्यूनिटी बढ़ाना है तो ये मेन्यू मेरा पूरा इम्यूनिटी के बेस पे है जिंजर गार्लिक के बेस पे है और ये चाइनीज में है लोगों को चाइनीज खाना बड़ा पसंद आता है लेकिन वो बाहर जाके जंक फूड खाते हैं उससे अच्छा आप घर पे आके अपना घर पे ही बनाए जो बनाया हुए हैं जो है उसी से चाइनीज खाइए और उसी से ही आप अपना इम्यूनिटी सिस्टम भी बढ़ाइए और चाइनीज का लाभ उठाइए चलिए भाइयों बहनों इसी के साथ आज हम देख लेते हैं कि आज का हमारा इंग्रेडिएंट क्या है चलिए सबसे पहला हमने नूडल ले लिया है जो मार्केट में इजीली मिल जाता है एक ब्रोकली बहुत ही अच्छा होता है आप फ्लावर भी ले सकते हैं आप गोभी भी ले सकते हैं उसके साथ मेरा होममेड मेरे अपने हाथों से बनाया हुआ यह है हमारा शेजवान चटनी इसका रेसिपी आपको मैं आगे मेन्यू में दिखा दूंगा गार्लिक बारीक चॉप किया हुआ ब्रोकली स्टैम्प मतलब ब्रोकली का नीचा हुआ वो हमने कटिंग कर लिया है आप चाहिए तो दे सकते हैं नहीं तो ऑप्शनल है मैंने सोचा फेंकू क्यों इसलिए खा लूं इम्यूनिटी सिस्टम और बढ़ जाएगा जिंजर बारीक से इन्हों चॉप किया हुआ वेट एक ग्रीन चिल्ली चॉप किया हुआ ये है दो कश्मीरी मिर्ची जिसको मैंने चिल्ली फ्लेक्स बना लिया है चिल्ली ब्लैक्स आपको बाहर से लेने की कोई आवश्यकता नहीं है आप घर पे कोई भी सूखा मिर्ची लेके हल्का ग्रीन करके बना सकते हैं थोड़ा सा फिनिश सीड मतलब बड़ी शॉप वो भी जरा पीस लीजिए बड़ा टेस्ट आता है तो मैंने इसी में फिनल शीट मतलब बड़ी शॉक थोड़ा सा चिल्ली फ्लेक्स मिक्स कर दिया है एक अंडा और विनीगर हमने एक पैन ले लिया है पैन उतना होना चाहिए जिसमें हम नूडल को इजीली पैन कर सके लाइटर मिल गया है अब हम चाइनीज के स्टाइल में चालू करते हैं में उतना ही पानी डालेंगे जितना कि बॉइल करने के लिए लगे देख लीजिए इसमें हम एक टेबल स्पून या स्वाद अनुसार थोड़ा सा नमक ज़्यादा नहीं हमारा पानी में उबल आ गया है तो इसमें हम ब्रोकली डाल के हल्का उबाल लेंगे भाइयों बहनों हमने ब्रोकली डाल दिया है ये ब्रोकली डाल के हम इनको पहले उबाल लेंगे थोड़ा सा देखिए इसे नहीं हमारे मेन्यू को देखिए हमने क्या किया ब्रोकली का जो स्टेम्प है वो भी थोड़ा डाल दिया है ताकि बॉयल हो जाए अब ब्रोकली का स्टेम्प और ब्रोकली दोनों बॉयल ज्यादा बॉयल नहीं करना हल्का खाली बॉयल करना है अब इसको हम रख देंगे एक साइड में चलिए
हमारा ब्लॉग का नहीं और ब्रोकली का स्टैम दोनों बॉयल अच्छी तरह से हो चुका है। इसी पानी में हम नूडल्स बॉयल करेंगे। डाल दिया हमने नूडल्स। देखिए हमारा नूडल्स बॉयल हो चुका है। अब हम इसे अच्छी तरह से छन्नी कर लेंगे। इसको पानी में डाल दिया है। अब इसको ठंडा होने देंगे। इसको अच्छी तरह से ठंडा होने दीजिए। ये ठंडा होगा तो चिपकेगा नहीं। मैंने जरा भी पानी में तेल यूज़ नहीं किया है। कभी भी नूडल्स बॉइल करते समय पानी में नूडल्स तेल मत डालिए, कुछ मतलब ही नहीं है। तो देखिए कोई किसी से चिपका नहीं है। देखिए भाइयों बहनों एकदम देखिए एकदम फ्लफी। हमने इसको बढ़िया सा 80% पका दिया है। देखिए 80% बिल्कुल बॉयल। देखिए कितना बढ़िया सा छुट रहा। मैंने ज़रा भी तेल यूज़ नहीं किया है। बिल्कुल यही मेरा टॉपिक गरी गरी सामने आ रहा है। अब देखिए हम थोड़ा सा ऑलिव ऑयल डाल रहे हैं। आपके पास ऑलिव ऑयल नहीं है तो आप कोई भी नॉर्मल तेल मीठा कुकिंग ऑयल डाल सकते हैं। अब इसमें हम डाल देंगे ये है हमारा चॉप जिंजर पेस्ट। भाइयों बहनों देखिए हमने मिर्ची और जिंजर पेस्ट डाल दिया है। उसके बाद हम डालेंगे ये फाइनल सीड। इसमें बड़ी शॉप का और बड़ी शॉप और चिल्ली फ्लेक्स मैंने ऐड किया है। बड़ी शॉप से अच्छा खुशबू आता है, वो भी हमने डाल दिया है। क्या ये चलिए ये हमारा सॉटे हो चुका है। इसमें हम डालेंगे पानी। 2 कप पानी डालना है। स्वाद अनुसार थोड़ा हल्का नमक। हमने ब्लैक पेपर कूट के रखा है। देखिए ब्लैक पेपर कूट के रखा है। ये भी हम इसमें मिक्स कर देंगे। थोड़ा सा विनीगर से खट्टापन आता है। हल्का विनीगर डाल दिया है। हो चुका है। अब इसमें हम डाल देंगे नूडल्स। नूडल्स डालने से पहले हम इसको थोड़ा कॉर्नफ्लावर से गाढ़ा कर लेंगे। इसमें हम जो अंडे लिए थे वो अंडा हम फेंक के डालेंगे। देखिए बढ़िया सा भाइयों बहनों एकदम बढ़िया सा इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग करने के लिए। अब इसमें हम डालेंगे बढ़िया सा नूडल्स। अब हमें ये मिक्स कर लेते हैं। देखिए हमने क्या किया है। हमने थोड़ा सा पानी को सुखा दिया है। आप चाहे तो पानी ज़्यादा करके भी रख सकते हैं। देखिए भाइयों बहनों घर पे बैठ के अपने फैमिली के साथ बढ़िया सा ऐसा नूडल्स आपको कहाँ मिलेगा। इसे आप चाउमीन का नाम से भी प्रसिद्ध हैं। चाउमीन मतलब पानी भरा नूडल्स। देखिए बढ़िया सा ये हो गया आपका। देखिए एकदम पानी का पानी एकदम नो ड्राइंग। इसे आप ऐसे खा सकते हैं। देखते हैं हम खाते हैं, देखते हैं। यम्मी ऐसी बढ़िया बढ़िया नूडल्स रेसिपी के साथ नए नए रेसिपी के साथ फिर से आऊँगा भाइयों बहनों। आशा करते हैं ये मेनू आपको अच्छा लगा होगा। चलिए तब तक के लिए शुक्रिया। ओम साई राम।